क्वेश्चन नंबर 4, एल इक्वल्स टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन इंटू f1/n प्लस f2/n अप टू f(k/n) माइनस k इंटू f0। अच्छा, k क्या है? k एक पॉजिटिव इंटीजर है एंड fx इक्वल्स टू साइन एक्स। तो l का वैल्यू क्या होगा? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है l होगा k+1 इंटू k+2/6। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है k+1 इंटू k+2/2। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है k इंटू k+1/2। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है k इंटू k+1। अच्छा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, हाँ मैं क्या करता हूँ, मान लो n इक्वल्स टू है 1/m। ठीक है, तो m क्या होगा? m इक्वल्स टू होगा 1/n। तो देखो, जब n टेंस टू इन्फिनिटी होगा तब m टेंस टू क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं m टेंस टू जीरो। तो n इक्वल्स टू क्या है? n इक्वल्स टू है 1/m। ठीक है, अच्छा तो f होगा m 1/n इक्वल्स टू है m एंड यहाँ पे होगा f 2m प्लस अप टू f(k)m। ठीक है, माइनस k(f0). ओके, तो दिस इक्वल्स टू लिमिट m टेंस टू जीरो। देखो fm क्या होगा? fx क्या है? साइन एक्स। ठीक है, तो fm क्या होगा? साइन m। ओके, प्लस तो f2m क्या होगा? साइन 2m प्लस अप टू प्लस fkm क्या होगा? साइन km माइनस k इंटू f0। देखो, आप x की जगह जीरो पुट कर दो तो क्या होगा? साइन जीरो। साइन जीरो मतलब क्या है? जीरो। ठीक है, अच्छा अब एक काम करो, ये जो 1/m है इसे ब्रैकेट के अंदर ले लो आप। तो क्या आएगा? साइन m/m साइन 2m/m साइन km/m एंड k(0/m)। अच्छा, तो देखो लिमिट m टेंस टू जीरो साइन m/m ये क्या होगा? ये होगा 1 एंड साइन 2m/m। एक काम करता है, यहाँ पे आगे एक 2 लगा दो एंड यहाँ पे भी 2 लगा दिया हमने। ठीक है, तो लिमिट 2m टेंस टू जीरो साइन 2m/2m क्या होगा? 1 होगा एंड बाहर एक 2 है प्लस 2। इसके बाद यहाँ पे आप k लगा दो, यहाँ पे k लगा दो तो साइन km/km होगा 1, तो यहाँ पे k रहेगा। ठीक है, एंड ये हो जाएगा 0। तो 1+2 अप टू k तक ये क्या होगा? इसका सम करोगे तो क्या आएगा? k इंटू k+1/2। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18b में हमें बोला गया है f एक कंटिन्यूअस रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल 0,1 एंड हमें एक कंडीशन दिया गया है इंटीग्रल 0 to 1 x इंटू fx dx इक्वल्स टू इंटीग्रल c to 1 fx dx। ठीक है, एंड अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो c जो है वो ओपन इंटरवल 0,1 के बीच में लाई करेगा, वो हमें दिखाना होगा। ठीक है, अच्छा f कंटिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, तो मैं मान लो कि f(x) इक्वल्स टू x है, ये तो कंटिन्यूस फंक्शन है। f(x) जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे पुट कर दो f(x) की जगह x इंटीग्रल 0 to 1 x इंटू x dx इंटीग्रल c to 1 x dx। तो दिस इम्प्लाइज x इंटू x होगा x² इंटीग्रल 0 to 1 dx इंटीग्रल c to 1 x dx। दिस इम्प्लाइज x³ by 3 लिमिट है 0 to 1 x² by 2 लिमिट है c to 1। यहाँ पे आप लिमिट पुट करो तो होगा 1/3 एंड यहाँ पे होगा 1 - c² by 2। ठीक है, अच्छा तो दिस इम्प्लाइज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो यहाँ पे तो होगा 3 - 3c² इक्वल्स टू 2। तो दिस इम्प्लाइज 3c² इक्वल्स टू 3 - 2 मतलब 1। दिस इम्प्लाइज c² इक्वल्स टू 1/3। दिस इम्प्लाइज c इक्वल्स टू होगा 1/√3 माइनस, यहाँ पे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पे हमें कंडीशन है x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0,1, इसलिए तो देखो ये जो c है c इक्वल्स टू 1/√3, तो दिस बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0,1, तो यही हमें दिखाने के लिए बोला गया था। ठीक है।